नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने पिछले सेशन में ही स्टार्ट कर दिया था, आपकी पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 1 का चैप्टर 6 पार नजर के। इसमें मैंने आप लोग को बताया है कि ये जो चैप्टर है ये एक छोटे से बच्चे की कहानी है, यानी कि ये कहानी मंगल ग्रह की कहानी है, जहां पर जो लोग हैं वो जमीन के नीचे रहा करते हैं। जैसे हमारी दुनिया जो है वो जमीन के ऊपर है, ऊपरी सतह पर है, तो वहां पर लोग जमीन के नीचे रहते हैं। तो एक छोटू जो है, एक छोटा बच्चा जो है, उसके पापा जमीन की ऊपरी सतह पर काम करते हैं, वहां पर वो एक सुरंग के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो उसे हमेशा एक एक्साइटमेंट रहती है, एक जिज्ञासा रहती है कि वो उस सुरंग को देखे, क्या आखिर उस सुरंग के अंदर है, क्या यहाँ पर किया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें उसके अंदर चलती हैं। तो उसी अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, उन्हीं बातों को जानने के लिए, वो एक दिन अपने पापा का जो सिक्योरिटी कार्ड होता है उसे लेकर चला जाता है और सुरंग के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो क्या कुछ आगे होता है इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही आपको नई नई बातें, नई नई चीजें, नए नए शब्द इस पाठ में पढ़ने को, सुनने को, समझने को मिलेंगे। और क्योंकि अंतरिक्ष की जब बात होती है तो हम वैसे भी बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। तो ये चैप्टर तो बिल्कुल अंतरिक्ष से ही जुड़ा हुआ है। और एक मेन शब्द एलियन, एलियंस के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत ज्यादा एक उत्साह अंदर हमारे आ जाता है कि आखिर एलियन होते कैसे हैं, क्या वो भी हमारी तरह खाना खाते हैं, क्या वो भी हमारी तरह सोते हैं, क्या वो भी हमारी तरह चल पाते हैं, क्या वो भी हमारी तरह बाकी के काम करते हैं। तो इस तरह के सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। तो उन्हीं के बारे में ये सारी बातें इस चैप्टर में लिखी गई है। तो हम शुरू करेंगे आज का सेशन, आप सभी बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, जैसे कि हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था, जो यहाँ पर पिक्चर इमेज जो आपको यहाँ पर दिखाई गई है, ये एक एलियन यानी कि मंगल ग्रह के व्यक्ति की है और ये एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम छोटू है। तो यहाँ पे बताया गया कि वो रोज मतलब उत्साहित रहता था जब उसके पापा आते थे, जाते थे ये देखने के लिए कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। और जो सुरंग जिसके अंदर मनाही थी आम जनों के जाने की, आम लोगों के जाने की, तो वो सुरंग आखिर क्या उस सुरंग में है। तो इसी तरह छोटू ने जो अपने पापा का सिक्योरिटी कार्ड जो था, पास जो था, वो हथिया लिया था और अब वो उस सुरंग में प्रवेश कर चुका था। और अब यहाँ पर ये हुआ कि जब उसने सुरंग में प्रवेश किया तो सुरंग में बहुत सारे सिक्योरिटी, बहुत सारे निरीक्षक यंत्र यानी कि सिक्योरिटी यंत्र लगे हुए थे, कैमराज लगे हुए थे कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर, अनजान व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश कर जाता है तो फिर यहाँ पर सायरन बजने लगते हैं या कुछ और गतिविधियां यहाँ पर होने लगती है। तो जब वो बच्चा प्रवेश उसने किया तो वहां पर कंट्रोल रूम में अलर्ट पहुंच गया और वहां से सिक्योरिटी आई, फोर्स आई और उस बच्चे को वहां पर से उठाकर बाहर ले गई। अब बच्चे के पिताजी जो हैं उनकी वजह से वो बच गया, वरना उसकी माता तो बहुत ज्यादा क्रोधित उस बात से हो गई थी कि वो क्यों गया। और बच्चे ने कहा कि आप क्यों जाते हैं फिर वहां पर। तो अब उसके पापा बता रहे हैं कि किस किस तरह से वो वहां पर काम करते हैं, क्या क्या चीजें वो वहां पर लेकर जाते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि वो वहां पर अपने जो एक स्पेशल उनका स्पेस सूट होता है उसे पहनकर वो जाते हैं। वो खास किस्म का होता है जिस पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा हुआ होता है और वो खास किस्म के जूते पहन के जाते हैं जिससे कि जमीन पर चलना जो है
वो मुमकिन हो पाता है। तो मैं आपको जमीन पर चलने फिरने के विषय में ही बात एक बता रही थी कि यहाँ पर जैसे वो कह रहे हैं कि हमें जमीन पर चलने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। कैसा प्रशिक्षण, कैसी ट्रेनिंग? क्या आपको जमीन पे चलने के लिए कोई ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं, जब आप छोटे होते हैं आप चलना सीखते हैं, चलना आप शुरू करते हैं, सबसे पहले आप अपने घुटनों से चलते हैं, फिर आप धीरे धीरे बड़े होते हैं, थोड़ा सा लड़खड़ा के चलते हैं, फिर आप नॉर्मली चलने लगते हैं। कोई स्पेशल ट्रेनिंग आपको इसके लिए नहीं दी जाती कि आप किसी स्पेशल कोचिंग सेंटर में गए और वहां से आपने ट्रेनिंग ली कि किस तरह आप जमीन पर चलेंगे, लेकिन यहाँ पर दी जाती है। क्यों? तो इसका भी मैं आपको जवाब दे रही थी। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही खास खास बात जो है पिछले सेशन में मैं आपको बता रही थी कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है और मंगल भी एक ग्रह है। तो हमारी पृथ्वी पर क्या होता है कि जब हमारी पृथ्वी पर एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो हमें जमीन पर खड़े रहने में मदद करता है, हेल्प करता है। आप देखते हैं कि आप अपनी बॉल को जब अपनी गेंद को ऊपर की ओर उछालते हैं तो वो कुछ सेकंड्स के बाद फिर नीचे आ जाती है अपने आप। तो वही गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो हर चीज को पृथ्वी की तरफ खींचती है और उसी के कारण हम जमीन पर चल पाते हैं। आपने कभी अंतरिक्ष के बारे में अगर सुना होगा, कोई वीडियोस देखा होगा, कोई वीडियोस देखे होंगे या कुछ भी सुना होगा, तो वहां पर क्या होता है, चीजें अपने आप हवा में तैरती रहती है क्योंकि वहां पर ग्रेविटी जो होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि चीजें स्थिर हो सके एक जगह पर। तो यही बात है कि उनको स्पेशल ट्रेनिंग वहां पर जमीन पर, क्योंकि उनको खास तरह के जूते पहनाए जाते थे, तो उन्हीं खास तरह के जूतों को पहनकर उन्हें जमीन पर चलने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। और इसी बात को जो है छोटू सुन रहा था, जो छोटा बच्चा था वो सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी यंत्र की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर आकर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इसी परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। तो सूरज में कुछ परिवर्तन आए जिससे कि मंगल ग्रह जो है उसका वातावरण परिवर्तित होने लगा। धीरे धीरे वहां पर गर्मी, अगर कहें तो एक तरीके से जैसे हमारी, आप देखते हैं कि हमारे जो पृथ्वी है यहाँ पर जब सीजन्स चेंज होते हैं तो वातावरण में परिवर्तन आने लगता है। आप ग्रीष्म ऋतु में देखेंगे तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और आप बाहर धूप में नहीं निकल सकते, और सर्दियों में क्या होता है कि ठंड बहुत ज्यादा होती है, बरसात में वर्षा बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह यहाँ पर मंगल, क्योंकि ये तो हमारा रोटेट करता रहता है, हर साल सर्दी आती है, हर साल गर्मी आती है, हर साल वर्षा ऋतु आती है, लेकिन मंगल ग्रह पर जो ये मौसम परिवर्तन हुआ, जो ये खास किस्म का एक परिवर्तन आया, जो वातावरण में चेंजेस हुए, ये क्या हुआ कि ये सूरज में आए परिवर्तन के कारण हुआ था। तो ये बहुत मतलब एक स्थायी परिवर्तन यहाँ पर आ गया, यानी कि जो परमानेंट परिवर्तन जो है मंगल ग्रह में आ गया। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है और इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। धरती पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो धरती पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य, सन। सनलाइट से हमें एनर्जी मिलती है, पेड़ पौधों को एनर्जी मिलती है। देखिए, जब तक पेड़ पौध जब सन सनलाइट नहीं होगी, सूर्य की रोशनी नहीं होगी, सूर्य की ये ऊर्जा नहीं होगी, तो क्या होगा, हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे, पेड़ पौधे ग्रो नहीं कर पाएंगे। और अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम खाना कहाँ से खाएंगे? कोई भी जीव जंतु हो, आज अभी आप आगे पढ़ेंगे अपनी साइंस की जो पाठ्य पुस्तिका है उसमें क्या होता है कि एक श्रृंखला बनी हुई होती है सभी जीवों की, एक खाद्य जाल बना हुआ होता है, एक खाद्य चक्र बना होता है कि जो कुछ कुछ उपभोक्ता होते हैं, कुछ उत्पादक होते हैं, तो
तो यहाँ पर पेड़ पौधों को उत्पादक का रूप दिया गया है, यानी कि ये हमारे लिए जो चीजें हैं उत्पाद करते हैं, बनाते हैं चीजों को और उसके बाद हम खाते हैं। देखिए, चाहे फल फ्रूट हो, साग सब्जी हो, राशन हो, सभी हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है। और अगर हम पेड़ पौधों के बाद अगर हम नॉन वेजिटेरियन खाने की बात करें, तो जो ये जीव जंतु जो खाते हैं, जिन जीव जंतुओं को हम खा रहे हैं नॉन वेजिटेरियन के रूप में, मांसाहार के रूप में, तो वो भी शाकाहार को खाते हैं। तो जब तक सनलाइट ही नहीं होगी, सूर्य की ऊर्जा ही नहीं होगी, सूर्य की रोशनी ही नहीं होगी, तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। और इस तरह का जो सामान्य जीवन है, ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की बातें बताई जा रही हैं कि मंगल ग्रह पर सूर्य में कुछ जो परिवर्तन हुए थे, उसके कारण बहुत सारे परिवर्तन आए और सूरज में होने परिवर्तन होते ही यहाँ प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। कुछ परिवर्तन सूरज में आए जिससे कि मंगल ग्रह का जो प्राकृतिक संतुलन था, जो प्रकृति अपना एक संतुलन बनाकर चलती थी, वो धीरे धीरे बिगड़ने लगा और प्रकृति के बदलते हुए रूप का सामना करने में यहाँ के जो पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, अन्य जीव जो है वो अक्षम साबित हुए। अक्षम यानी कि वो उसका जो सामना है वो नहीं कर पाए, वो असफल हो गए। क्योंकि मैंने पहले भी आपको पिछले सेशन में बताया कि हमारी जो बॉडी होती है वो अपने वातावरण के अनुकूल हो जाती है। कुछ टाइम हमें लगता है, अगर हम कहीं पर बाहर जाएं तो कुछ टाइम हमें लगेगा, लेकिन फिर हम वहां के अनुकूल हो जाते हैं। तो शुरुआत में क्या होता है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हमें उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, क्योंकि वो एकदम से बाहर की दुनिया वो देखते हैं, बाहर के संसार को वो देखते हैं। तो बहुत सारी चीजें, हमें उन्हें इन्फेक्शन से बचाना होता है, हमें उन्हें ज्यादा ठंड से बचाना होता है, हमें उन्हें गर्मी से बचाना होता है, तो बहुत सारे तरीके धीरे धीरे। लेकिन जब बच्चा ग्रो करने लगता है, बढ़ने लगता है, उसकी आयु बढ़ने लगती है और उसका एक तरीके से विकास जब होने लगता है, तो फिर वो प्रकृति के साथ भी संतुलन बना लेता है। यानी कि उसको फिर, हाँ, सभी को ठंड लगती है, सभी को गर्मी लगती है, लेकिन क्या होता है कि वो प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे, वो अन्य जो जीव थे वो अब अक्षम साबित हो रहे थे, यानी कि वो अब स्टेबल नहीं रह रहे थे, वो अब सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि प्रकृति का जो संतुलन था वो पूरी तरह से बिगड़ गया था। और केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया है। और ये सारी बातें बता रहे हैं छोटू के जो पिताजी हैं वो अपने बेटे को, कि ये जो सारी चीजें हैं इनका जो सामना किया था वो हमारे पूर्वजों ने, यानी कि हमसे पहले की जो पीढ़ियां थी, हमारे जो दादा थे, परदादा थे, उनके दादा जो थे, तो यानी कि बहुत लंबी जो हमारी पुरानी पीढ़ियां थी, उन्होंने इस स्थिति का सामना किया था। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि मनुष्य जो है वो अपने लिए कुछ अलग रास्ता खोज ही लेता है, तो कुछ चीजें ऐसी हुई कि प्रकृति में असंतुलन हुआ और प्रकृति में लोगों को सरवाइव करने में दिक्कत होने लगी। बहुत सारे पेड़ पौधे नष्ट हो गए, पशु पक्षियों की जातियां समाप्त हो गई और कुछ जीव जो है, मनुष्य जाति जो है, वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। लेकिन क्या था कि उन्होंने उसमें से कुछ तकनीकी ज्ञान रखने वाले भी थे और उसी तकनीकी ज्ञान के कारण उन्होंने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। और सबसे पहले जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग ही इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। देखिए, उसके पिताजी बता रहे हैं कि जो जमीन का जो ऊपरी हिस्सा है, जो ऊपरी सतह है, अब वहां पर जीवन जीना संभव नहीं है, यानी कि नॉर्मल जो लोग हैं वो वहां पर अब सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो वहां पे तकनीकें हैं,
जो हमने कुछ तकनीकी मशीनी चीजें जो वहां पर लगाई है, जिनकी सहायता से आज हम जमीन के अंदर जीवन जी पा रहे हैं, तो उनको भी सुरक्षित रखना, उनको भी सतर्कता से इस्तेमाल करना जरूरी है। तो कुछ ऐसे इंजीनियर्स, कुछ ऐसे तकनीशियंस वहां पर काम करते हैं, वहां पर लगे रहते हैं, लगातार उन यंत्रों की सुरक्षा में, उन यंत्रों की जांच में। उसने अपने पिताजी से अपनी मंशा जाहिर की, तो उसने कहा, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए तुम्हें खूब पढ़ना होगा और माँ पापा की बात सुननी होगी। उसके लिए तुम्हें पढ़ाई भी बहुत करनी होगी और अपने माँ पापा की बात भी सुननी होगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। अब दूसरे दिन छोटू के पापा जो हैं वो फिर से काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। अब उन्होंने देखा कि जो कंट्रोल रूम है उसका वातावरण थोड़ा सा बदला हुआ था। तो क्या उसमें चेंजेस हुए थे? उसमें चेंजेस हुए थे कि जो शिफ्ट खत्म कर दी गई थी, वो स्टाफ जो है घर जा रहे थे, और प्रमुख टीटी जो है स्क्रीन की तरफ इशारा करके कहा कि स्क्रीन टीवी की तरफ, जो स्टाफ के प्रमुख है उन्होंने टीवी की तरफ इशारा करके कहा कि स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा है। वह बताने लगा, यह आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी अडिग नहीं रहा है, यानी कि पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी कई जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पर बताया कि धीरे धीरे उन्होंने, जब छोटू के जो पिताजी हैं वो अगले दिन जब अपने ऑफिस गए, तो उन्होंने क्या देखा वहां पर? उन्होंने देखा कि वहाँ जो कंप्यूटर रखा हुआ, जो कंट्रोल रूम था, वो अब धीरे धीरे वहाँ पर एक अलग सा जो माहौल वहाँ का था। और वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा था? वहाँ पर दिखाई दे रहा था टीवी स्क्रीन पर कि एक गोला सा वहाँ पर दिखाई दे रहा था, लेकिन वहाँ पे बातें चल रही थी कि ये अडिग नहीं है, यानी कि ये कोई तारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपनी जगह पर अडिग नहीं है, अपनी जगह पर अड़ा हुआ नहीं है, ये पिछले कुछ घंटों में लगातार अपनी जगह बदल रहा है, अपनी जो पोजिशन है उसे चेंज कर रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं कि एक कंप्यूटर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और इस कंप्यूटर को जो कुछ एलियंस यहाँ पर हैं वो उसे कंट्रोल कर रहे हैं, और इस कंप्यूटर पर आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा सर्कल दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि जैसे हमने सैटेलाइट सेट किए हुए हैं अपनी पृथ्वी पर, ताकि कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर हमारी पृथ्वी पर आक्रमण ना कर दे, तो इसी तरह के सैटेलाइट्स मंगल ग्रह पर जो लोग रहते हैं, वहां के लोगों ने भी सेट किए हुए हैं अपने ग्रह के बाहर। तो उन्हें ये सारी चीजें वहां से पता चल जाती हैं जब कोई उनके ग्रह में प्रवेश करता है। तो अब बातें हो रही हैं कि अंतरिक्ष यान तो नहीं, कि ये कोई अपने अंतर ये अपना कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। छोटू के पापा ने उनको बताया कि आखिर ये कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं है, संदेह हमें भी है, आप इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बाकी जो लोग हैं वो कहते हैं कि हाँ, संदेह तो हमें भी है कि ये हो सकता है कि ये अंतरिक्ष यान हो, और इस पर अब आपको बराबर ध्यान रखना है। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए यह आवश्यक आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें तो देखिए, बहुत ही ज्यादा मजेदार पार्ट है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब यहाँ पर बात हो रही है अंतरिक्ष यान की, कि
कि जो हम पृथ्वी के द्वारा दूसरे ग्रहों पर भेजते हैं। तो यहाँ पर मंगल ग्रह की बात हो रही है, तो मंगल ग्रह के लोग अपने जो कंट्रोल रूम है वहां पर बैठकर इस स्थिति को देख रहे हैं कि कोई जो एक एक गोल नुमा जो संरचना है वो लगातार मूवेबल है, यानी कि मूव कर रही है, चल रही है, हिल रही है और लगातार उनकी धरती की तरफ बढ़ रही है। तो उन्हें लगा कि ये कोई सचमुच अंतरिक्ष यान होगा, अगर होगा तो ये कहाँ से आ रहा होगा, क्योंकि सौर मंडल में क्या उनकी तरह और भी ग्रह है। देखिए बिल्कुल सेम फीलिंग, बिल्कुल सेम सिचुएशन उनके पास थी जैसे हम पृथ्वी वासियों के पास होती है। हम बहुत ज्यादा उत्साहित, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जब हमें एलियंस का नाम सुनने को मिलता है, या इस तरह की उड़न तस्तरियां हमें कहीं पर दिखाई देती है, या कोई सैटेलाइट, अलग से सैटेलाइट के बारे में हमें पता चलता है, या किसी अलग से ही अंतरिक्ष यान के बारे में हमें पता चलता है, तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, एक अलग ही जिज्ञासा हो जाती है कि ये कहाँ से आया होगा, कौन होगा, ये कौन से ग्रह से आए होंगे। तो इस तरह की बातें उनके अंदर भी चल रही थी। लेकिन अब वो कहते हैं कि उनके लिए पहले उनके जो पूर्वज थे वो भी इस तरह के काम किया करते थे, सैटेलाइट छोड़ने का काम किया करते थे, उपग्रह अंतरिक्ष यान बनाने का काम किया करते थे, लेकिन आज उनके लिए यह असंभव है। क्यों है असंभव? क्योंकि उसके लिए ढेर सारी एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि वो अब धरती के अंदर रहते हैं तो उनके पास एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है। अब वो बहुत ज्यादा उत्साहित है इस बात के लिए कि अब उनकी ग्रह पर, उनके ग्रह पर अगर कोई ये नया मेहमान आ रहा है तो वो इसे नजदीक से देखना चाहते हैं और इस बात को वो अनुभव करना चाहते हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक बाहर निकला, हर पल उसकी लंबाई बड़ी होती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा, क्योंकि जो छोटू के पापा है वो एक तक, क्योंकि वो कंट्रोल रूम में काम करते हैं, वो एक तकनीशियन है, वो एक इंजीनियर है, तो वो बिल्कुल अपने सैटेलाइट से अपने कंप्यूटर पर ध्यान लगाए हुए देख रहे हैं कि वो चीज जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तो अब वो अंतरिक्ष यान जो आ रहा था उनकी धरती की तरफ, तो वहां से अब एक यात्रिक जो है वो बाहर निकला और धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ रही थी, यानी कि वो और धीरे धीरे पास आ रहा था और छोटू के पापा लगातार अवलोकन कर रहे थे, यानी कि देख रहे थे। कॉलोनी की प्रबंधन समिति की सभा बुलाई गई थी, अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि दो अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं और इसमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है, यानी कि हमारे चारों तरफ चक्कर काट रहा है, और इस कंप्यूटर के अनुसार अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर एक, आपका ख्याल क्या है? तो बच्चों आपने देखा इस पाठ में कि जो छोटू है, जो बच्चा है, वो भी इस तरह का एक तकनीशियन बनना चाहता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा उसको वो जिज्ञासु है इस चीज के लिए, इन बातों को जानने के लिए कि क्या हमारी पृथ्वी के बाहर होता है, किस तरह के लोग, किस तरह का वातावरण हमारी पृथ्वी के बाहर है। तो यहाँ पर जब छोटू के पापा ने उसे कहा कि ठीक है तुम आप ये सब बन सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी होगी, तो ये चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अभी तक हमने जितना चैप्टर पढ़ा है आप इसको घर में एक बार फिर से पढ़िए, इसको रिवाइज कीजिए। इस पार्ट का शेष भाग हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।